मेकअप आर्टिस्ट जिसने कंगना रनौत को बना दिया इंदिरा गांधी। कंगना रनौत एक बार फिर से अपने दमदार लुक के साथ फैंस के सामने हाजिर हो चुकी हैं। बॉलीवुड की क्वीन की अपकमिंग फिल्म इमरजेंसी का फर्स्ट लुक भी सामने आ चुका है। मणिकर्णिका और थलाइवी के बाद कंगना रनौत इस बार स्क्रीन पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का रोल अदा करेंगी। फर्स्ट लुक के साथ ही फिल्म का टीजर भी शेयर कर दिया गया, जिसमें उन्हें पहचान पाना वाकई काफी मुश्किल है। तो आइए जानते हैं आखिर कौन है वो मेकअप आर्टिस्ट जिसने कंगना रनौत को एक्ट्रेस से पूर्व प्रधानमंत्री बना डाला। इमरजेंसी में कंगना रनौत का फर्स्ट लुक देखने के बाद कहना गलत नहीं होगा कि एक्ट्रेस अपने किरदार के साथ किसी भी तरह की गलती नहीं करना चाहती। टीजर में वो हूबहू इंदिरा गांधी की तरह नजर आ रही हैं, जिसके लिए उनका प्रोस्थेटिक मेकअप किया गया है। फिल्म में कंगना क्या कमाल करेंगी वो अभी नहीं कहा जा सकता, पर हाँ, देश की पूर्व प्रधानमंत्री के रोल में उन्हें देखना वाकई काफी मजेदार होगा। लोग कंगना के इस लुक को देखने के बाद मेकअप आर्टिस्ट की तारीफ कर रहे हैं। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर वो मेकअप आर्टिस्ट है कौन। इमरजेंसी में कंगना रनौत को इंदिरा गांधी के रूप में देखकर हर कोई सरप्राइज है। असल में कंगना रनौत के इस लुक का श्रेय जाने माने प्रोस्थेटिक मेकअप आर्टिस्ट डेविड को जाता है। डेविड को उनके बेहतरीन काम के लिए कई इंटरनेशनल अवार्ड्स भी दिए जा चुके हैं। यही नहीं, 2017 में फिल्म डार्केस्ट आर के लिए बेस्ट मेकअप और हेयर स्टाइलिंग कैटेगरी में उन्हें ऑस्कर से सम्मानित किया जा चुका है। और इसके अलावा डेविड वर्ल्ड वॉर जेड और द बैटमैन में अपने काम के लिए काफी सराहे जा चुके हैं। डेविड का सोशल मीडिया अकाउंट देखकर पता चल जाएगा कि वो कितने ज्यादा पैशनेट है। शायद इसी वजह से कंगना उनके अलावा किसी और पर विश्वास नहीं कर पाई। और कंगना का लुक आप सबके सामने है। कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आपको कंगना रनौत का ये लुक कैसा लगा। एंटरटेनमेंट से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें NBT एंटरटेनमेंट।